बोलता है इसने मुझे पैसे दिए, वो चुड़ैल बोलती है उसने मुझे पैसे दिए, और एक सांड है वो बोलता मैंने पैसे दिए। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, और अगर आपको सेहत ठीक रखनी है तो कॉमेडी फिल्म्स जरूर देखें। बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्म्स की लंबी लिस्ट है, लेकिन उस लंबी लिस्ट में से हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनी हुई टॉप 10 कॉमेडी फिल्म्स, जिसे आपने शायद देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 कॉमेडी फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। बॉम्बे टू गोवा। अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म बॉम्बे टू गोवा 3 मार्च 1972 में रिलीज हुई थी। महमूद के अभिनय से सजी ये यादगार फिल्म है। ये फिल्म सुपरहिट हुई थी। पड़ोसन। पड़ोसन एक कॉमेडी फिल्म है जो वर्ष 1968 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सुनील दत्त, किशोर कुमार, महमूद और सायरा बानो मुख्य भूमिकाओं में हैं। एक आदमी को नहीं मार सकते। अयो अयो, ऐसा बात क्या जी? हाँ। आप पायलट क्यों नहीं बोला हमको? इसके गाने और कॉमेडी लोग आज भी नहीं भूले। जाने भी दो यारों। जाने भी दो यारों हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म है। इतिहास में हास्य को लेकर अनेक फिल्में बनी, मगर जाने भी दो यारों जैसी कोई नहीं। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, नीना गुप्ता, रवि बासवानी, सतीश कौशिक, सतीश शाह जैसे मंझे कलाकार एक साथ कम ही फिल्म में दिखे हैं। गोलमाल। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित 22 अप्रैल 1979 को सिनेमाघरों में आई क्लासिक कॉमेडी फिल्म गोलमाल आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। गोलमाल फिल्म में अमोल पालेकर और उत्पल दत्त लीड रोल में थे। अंगूर। संजीव कुमार की 25 बेस्ट फिल्मों में से एक अंगूर है। प्रीतम आन मिलो, अबे प्रीतम आन मिलो, दुखे इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन मिला था। संजीव के साथ साथ देवेन वर्मा की अदाकारी भी लोगों को इतनी पसंद आई थी कि उन्हें बेस्ट कॉमेडी एक्टर का अवार्ड मिला था। फिल्म में संजीव कुमार और देवेन वर्मा दोनों का डबल रोल है। अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना के साथ ये फिल्में शुरू में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, लेकिन बाद में इन मूवीज को क्लासिक का दर्जा मिल गया। अंदाज अपना अपना सलमान और आमिर स्टारर एक लौती फिल्म है। गोलमाल फन अनलिमिटेड। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड को बहुत पसंद किया गया था। ये फिल्म हिट साबित हुई थी, जिसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, शर्मन जोशी और तुषार कपूर ने अभिनय किया था। वेलकम, कॉमेडी एक्शन फिल्म वेलकम। आपके मामा जी बहुत ग्रेट है, हम सब की मुसीबत अपने सर ले ली। वो देखो। वेलकम का पहला पार्ट 2007 में रिलीज हुआ था। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अनिल कपूर स्टारर इस फिल्म में फिरोज खान के आरडीएक्स वाले आइकॉनिक रोल को लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। इस फिल्म ने लोगों को खूब हंसाया था। हेरा फेरी। प्रियदर्शन द्वारा निर्मित साल 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी बॉलीवुड की जबरदस्त कॉमेडी फिल्म थी। देवी प्रसाद, ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की जबरदस्त केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन देखने को मिली थी। थ्री इडियट्स। बॉलीवुड की फेवरेट फिल्मों में से एक थ्री इडियट्स रही है। राजकुमार हिरानी की फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं तोड़े थे, बल्कि सीधा ऑडियंस के दिलों में घर कर गई थी। फिल्म थ्री इडियट्स साल 2009 में रिलीज हुई थी, जिसमें आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर और बोमन ईरानी को देखा गया था। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।